सो हेलो मूवीज प्रेमियों, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं फुल स्लैशर मूवी सीड ऑफ चकी की। ये चकी फ्रेंचाइजी की 2004 में आई मूवी है। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक डॉल को दिखाते हुए जिसका नाम शिटफेस होता है, और उसे नाइटमेयर्स आते हैं कि उसने एक छोटी बच्ची के डैड और मॉम का मर्डर कर दिया है। पर रियल में ये डॉल काफी दयालु और डरपोक किस्म की होती है, जो कि एक वेंट्रोलॉजिस्ट के पास बहुत ही अब्यूसिव लाइफ जी रहा होता है। साथ ही ये डॉल एक शो में परफॉर्म करते हुए ये सोच रहा होता है कि उसके मॉम एंड डैड कहाँ होंगे। वो होप करता है कि वे उसे जल्दी मिल जाएं। इंग्लैंड में एक इंटरनेशनल वेंट्रोलॉजिस्ट कॉम्पिटिशन के बाद उसका ऑनर उसे केज में बंद कर देता है। वहां वो टीवी पर एक प्रोमो देखता है जो कि जेनिफर टिली की अपकमिंग मूवी चकी द साइको होती है, जिसमें चकी और टिफनी के बचे हुए हिस्सों को जोड़कर वो फिर से बनाई गई एक डॉल होती है। उसे देख शिटफेस को लगता है कि ये दोनों उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। तभी वहां शिटफेस का ओनर उसे तंग करने आता है, पर जैसे तैसे शिटफेस वहां से भागने में कामयाब रहता है और टीसीएस की मदद से एक प्लेन में छुपकर यूएस हॉलीवुड चला जाता है और खुद को उसी शो के प्रॉप रूम में पाता है, और वहां उसे चकी और टिफनी डॉल भी मिलती है। तो शिटफेस हार्ट ऑफ डम्बेला, जो कि वूडो एमुलेट होता है, उसे यूज करके उन दोनों को फिर से जिंदा कर देता है। वो दोनों शिटफेस से पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो बताता है वो उनका बेटा है, और वो उन सभी के हाथ पर बने मेड इन जापान दिखाता है। ये सुन चकी बेहोश हो जाता है और टिफनी उसे गले लगाने लगती है। इतने ही वहां एक टेक्नीशियन आता है और टिफनी डॉल के पार्ट्स को अलग करने लगता है। वो उसे खोलता है और देखता है कि उसमें ऑर्गन्स होते हैं। वो इस चीज को समझ ही रहा होता है, इतने ही चकी उसके गले में एक तार डाल देता है जिसे टिफनी और चकी दोनों खींचते हैं, जिससे उस टेक्नीशियन का सर धड़ से अलग हो जाता है, और इसे देख वो दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये देख कर शिटफेस डर जाता है, और उसे देख टिफनी और चकी सोचते हैं कि ये लड़की है या फिर लड़का। वो उसे चेक करते हैं, पर उन्हें तब भी समझ नहीं आता। तो चकी उसे लड़का मान ग्लेन नाम देता है और टिफनी उसे लड़की मान ग्लेंडा नाम देती है। इतने वहां जेनिफर उस टेक्नीशियन को ढूंढते हुए आती है और उसे उसका कटा सर दिखता है, जिसे वो प्रोप ही समझ रही होती है। पर थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि ये एक असली कटा हुआ सर है, और वहां पुलिस और मीडिया आती है। वो जेनिफर से सवाल पूछ रहे होते हैं, पर जेनिफर अपनी लिमोजिन में बैठकर अपने घर जाने लगती है। उसकी गाड़ी में वो तीनों डॉल्स भी बैठ जाती हैं, और वहां वो प्लान कर रहे होते हैं कि वो डॉल्स किसकी बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर करेंगे, और ग्लेन के लिए वो एक सैरोगेट मदर से बच्चा लेकर उसमें उसकी सोल को ट्रांसफर कर देंगे। घर पहुंचकर ग्लेन को वो लोग सुला रहे होते हैं, तो ग्लेन उनसे पूछता है कि वो लोग ऐसे लोगों को मारते क्यों हैं। तो चकी कहता है कि उन्हें ऐसा करके सुकून मिलता है, पर ग्लेन उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तो टिफनी एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनकर बोलती है कि वो अब से ऐसा नहीं करेंगे, और वो चकी को भी फोर्स करती है। इसके चलते चकी उन्हें प्रॉमिस कर देता है, पर वो अपनी फिंगर पीछे क्रॉस करे रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेनिफर को देखते हैं, जिसने रेडमैन को अपने घर पर इनवाइट किया था क्योंकि वो उसकी मूवी में वर्जिन मैरी का रोल चाहती थी। टिफनी चकी को उसका सीमन एक बॉक्स में निकालने को बोलती है। फिर रेडमैन और जेनिफर रोमांस कर रहे होते हैं, और वहां एक मीडिया फोटोग्राफर उनके पिक्चर्स निकाल रहा होता है। इतने ही टिफनी रेडमैन को हिट कर उसे बेहोश कर देती है, जिसे देख जेनिफर डर जाती है और वहां चिल्लाते भागने लगती है। उसी वक्त टिफनी उसे भी हिट कर बेहोश कर देती है। चकी और टिफनी उन दोनों को ऊपर रूम में ले जा रहे होते हैं। चकी उस फोटोग्राफर को वहां से जाते देखता है और प्लान करता है कि वो उसके पीछे जाएगा। साथ ही टिफनी टर्की ब्लास्टर की हेल्प से चकी का सीमन जेनिफर में इंसेमिनेट करती है। फिर चकी ग्लेन के साथ उस फोटोग्राफर के लिए कार में निकल पड़ता है, और उस टाइम उसे बीच रास्ते में ब्रिटनी स्पीयर्स अपनी कार में दिखती है, जो चकी को मिडिल फिंगर दिखाती है। फिर क्या था, चकी भाई का गुस्सा आता है और उसकी कार को टक्कर मार उसका एक्सीडेंट कर देता है। और फिर वो उस फोटोग्राफर के घर पहुंचता है, और वहां बैठा उसको उन फोटोज को डेवलप करता देख रहा होता है। चकी उसे मारने वाला होता है, पर ग्लेन उस फोटोग्राफर को वॉर्न करने आता है, पर उसको देख वो फोटोग्राफर डर जाता है और अपनी शेल्फ से टकरा जाता है। उस शेल्फ पे रखा सल्फ्यूरिक एसिड उस पे गिर जाता है, जिससे वो गलने लगता है और मर जाता है। ये सब देख चकी ग्लेन से खुश होता है। उसे लगता है कि ग्लेन ने ये जानकर किया है। वो उस मूवमेंट को चकी कैप्चर करना चाहता है, इसलिए वो एक पिक्चर भी ले लेता है। साथ ही वो ग्लेन को इस मर्डर के बारे में टिफनी को बताने से मना करता है। फिर अगली सुबह जेनिफर और रेडमैन को होश आता है, पर उन दोनों को कुछ भी याद नहीं रहता। रात को डिनर करते वक्त जेनिफर रेडमैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा रेडमैन का है, जिसे सुनकर रेडमैन इससे साफ इनकार कर देता है और बताता है कि उसने नसबंदी करा रखी है, और जेनिफर से कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे इस फिल्म में रोल नहीं मिलेगा। ये सुनकर जेनिफर परेशान हो जाती है, और वहाँ टिफनी भी ये सब देख रही थी। उसे ये देखकर रेडमैन पर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि जेनिफर प्रेग्नेंट है, और रेडमैन की बात सुनकर वो परेशान हो जाती है, जो कि बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है।
फिर जेनिफर के वहां से जाते ही टिफनी रेडमैन को नीचे से मार देती है और उसका गर्मा गर्म फ्लैश निकालती रहती है। ये सब करते हुए ग्लेन टिफनी को देख लेता है, पर टिफनी उसे ये सब चकी को बताने से मना करती है। अगले दिन टिफनी चकी को बताती है कि वूडो प्रेगनेंसी बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि अगली सुबह जेनिफर पूरी तरह प्रेग्नेंट हो गई है और चकी उस पर अटैक कर उसे बेड पर बांध देता है। उसी टाइम उसके पास से वही मर्डर की फोटो गिर जाती है, जिसे टिफनी देख बहुत गुस्सा होती है। फिर वो दोनों एक बार फिर से लड़ने लगते हैं और बात करते हैं कि चकी को एक लड़का चाहिए जो उसकी तरह किलर हो और टिफनी को एक लड़की चाहिए थी। वहाँ ग्लेन ये सुनकर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि उससे भी कोई पूछ ले उसे क्या बनना है, पर वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि उसे ग्लेन बन के रहना है या फिर ग्लेंडा बनकर। इस बात से चकी गुस्सा होकर एक अलमारी को मुक्का मारता है, जिसमें से रेडमैन की डेड बॉडी बाहर आती है, जिसको देख टिफनी काफी शर्मिंदा होती है और चकी कहता है कि वो एक किलर ही रहेगा और ये उसकी चॉइस है। पर चकी सोचता है कि अब वो किसकी बॉडी में जाएगा और टिफनी जेनिफर के ड्राइवर को फोन करके उसे बुलाती है ताकि वो चकी की सोल उसमें ट्रांसफर कर सके, क्योंकि उसका ड्राइवर जेनिफर को मनी मन चाहता है और उसके बुलाने पर वो घर की ओर जाने लगता है। और अब वो उन दोनों को एक साथ बंदी बना लेते हैं। जेनिफर की असिस्टेंट जॉन उसके घर आती है और उसे आवाज लगाती है और किसी के ना आने पर वो मैट के नीचे रखी एक्स्ट्रा की से लॉक खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ उसका वेट चकी कर रहा होता है उसको मारने के लिए। इससे पहले चकी उसे मारता उतने ही टिफनी उसमें आग लगा देती है और जॉन भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाती है। फिर चकी देखता है कि ये मर्डर टिफनी ने नहीं ग्लेंडा ने किया था, जिसने टिफनी जैसा मेकओवर किया था, और वो एक साइको जैसे बात कर रहा होता है। उतने ही टिफनी उसे थप्पड़ मार समझाती है, जिससे ग्लेंडा वापस ग्लेन बन जाता है। इतने ही जेनिफर की डिलीवरी होती है और वो एक लड़के को जन्म देती है, जिसको देख चकी बहुत खुश होता है। पर कुछ देर बाद जेनिफर को एक लड़की भी होती है। फिर चकी हार्ट ऑफ डम्बेला लेकर रेडी था सोल ट्रांसफर के लिए, पर अब फिर से ग्लेन कंफ्यूज है कि उसे लड़के की बॉडी में जाना है या लड़की की। और घर के बाहर पुलिस भी आ जाती है। टिफनी भी उसे जल्दी करने को बोलती है। इसकी वजह से चकी की हट जाती है और वो उन्हें बोलता है कि उन्हें इंसान बनना ही क्यों है। इंसान बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं, पर वो एक किलर डॉल बनकर ही रहना चाहता था, उसे ऐसे रहने में मजा आता है। ये सुन टिफनी चकी को छोड़ने की बोलती है, जिससे चकी गुस्सा होकर चाकू जेनिफर की ओर फेंकता है, पर वो नाइफ ड्राइवर खुद पर ले लेता है और वो नाइफ टिफनी चकी को मार देती है। और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेनिफर को हॉस्पिटल ले जाती है, और वहाँ जेनिफर अपने बच्चों की पिक्चर को देखकर खुश होती है। इतने ही वहाँ टिफनी और ग्लेन वापस पहुँचते हैं और टिफनी फिर से वोडो रिचुअल करने लगती है। इतने ही वहाँ चकी आ जाता है और रिचुअल पूरा होने से पहले ही उसके सर में एक्स मार देता है, जिससे टिफनी मर जाती है। ये देख ग्लेन गुस्सा हो जाता है और चकी से लड़ने लग जाता है। वहाँ जेनिफर ग्लेन को वही एक्स पास करती है और ग्लेन एक्स से चकी के टुकड़े कर उसे मार देता है। उसके बाद ग्लेन को इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। जेनिफर उसे संभालती है और उसे अडॉप्ट कर लेती है। फिर 5 साल बाद हमें मालूम होता है कि जेनिफर की बॉडी में टिफनी की सोल है। उसने वो रिचुअल पूरा कर लिया था और चकी ने जिसको मारा था वो जेनिफर थी। साथ ही टिफनी ग्लेन को भी अपने बेटे में ट्रांसफर कर लेती है, जो कि अब बड़ा हो गया है। ग्लेन के लिए एक गिफ्ट पार्सल आया हुआ होता है, जिसको ग्लेन खोलता है तो उसमें चकी का वही कटा हुआ हाथ होता है, जो ग्लेन को पकड़ लेता है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और अच्छी बात यह है कि इसके बाकी पार्ट्स इस मूवी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये मूवी इतनी खास नहीं गई थी। पर इसका नेक्स्ट पार्ट कर्स ऑफ चकी काफी बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही मूवी अपडेट्स और एक्सप्लेनेशन मिलते रहें।